से बहुत कुछ सीखना है। टी क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। <laughs> इतने सारे आजकल योग निद्रा का बहुत ज्यादा हाइप है इंटरनेशनल मार्केट्स में क्योंकि योग निद्रा पर बहुत सारा क्योंकि योग के भी आ रहे हैं जी स्टडीज निकले तो अब वेस्ट ने वैलिडेट किया है योग निद्रा में

ये नाम योग निद्रा एक ग्रुप के लोगों ने दिया है जी बाकी यूजुअल ट्रेडिशनल को उसमें उसको शवासन कहते हैं मगर शवासन दो तरह से करते हैं एक ये दो योग निद्रा में जो बताते हैं दैट इज वन पार्ट ऑफ शवासन विच इज कॉल्ड एज पार्शियल शवासन एंड अनदर इज कम्प्लीट शवासन जब आप लेट गए हो और उसके बाद में अंगूठे को जरा सा वहाँ से टेंशन को हटाओ फिर आप एंकल पर आओ वहाँ से हटाओ फिर आप नी पर आओ वहाँ से हटाओ जो योग निद्रा की टेक्निक है और ये यहाँ थाए पे आओ यहाँ आओ एक एक, एक, पार्ट को सिक्सटीन जोन्स से एटीन जोन्स तक ऊपर जाओ फिर ऊपर से वापस नीचे आओ रिलैक्स दैट इज कॉल्ड योग निद्रा और फिर आप सूझाओ शवासन का ये एक प्रकार है दूसरा है कंप्लीट शवासन जहाँ आप सिर्फ रिलैक्स हो गए लेट गए और माइंड को सिर्फ आपके एबडोमिन पर रख लिया पेट पर क्योंकि जब आप रिलैक्स हो जाते हो ना तो, तो आपका पेट थोड़ा सा ऊपर आता है नीचे जाता है पेट का मूवमेंट चालू रहता है बाकी आप सब रिलैक्स हो रहा आप देखना कोई बच्चा सो रहा है छाती नहीं चल रही है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है कुत्ते को देखो वो सो रहा है पेट ऊपर नीचे जाता है चेस्ट चेस्ट अगर चल रही है सांस लेने में दैट मीन्स आप टेंशन में हो जब पेट ऊपर नीचे होगा तब आप रिलैक्स हो तो ऐसे पड़े रहने का माइंड को कहीं तो डालना पड़ेगा जी नहीं तो माइंड तो एक्टिव है वो काम करता रहेगा इसलिए यहाँ स्टमक पर डाल दिया है इनेबल पर फोकस कर दिया है और अदरवाइज डिफरेंट पार्ट्स बहुत डिस्टर्ब हो बहुत दुखी हो चलो एक 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 पार्ट को रिलैक्स करो विच इज कॉल्ड एज निद्रा इन टूडेज वर्ल्ड बट इट इज शवासन ओनली बट इट इज द सेम Uh, मगर गर... ये करना है see, योग डेफिनेटली बिलीव्स इन डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स वन इज दिस टेक्निक दूसरी है मकरासन उल्टा लेट जाओ पेट पर उल्टा लेट जाओ बहुत फायदा करता है डाइजेशन इंप्रूव होगा ओके। okay? डिप्रेशन में तो ये उल्टा लेटना ही अच्छा लगता है ऐसा में आप लेट नहीं सकते सीधा उल्टा दोनों तो तीसरा और प्रकार है वो साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड थर्ड एंड फोर्थ इज निष्पंद भाव जहाँ बैठ गए हो एक रिलैक्स पोजीशन में और माइंड से कोई ना कोई आवाज़ें जो बाहर आ रही है उसको सुन रहे हो बस बॉडी इज टोटली लेफ्ट बहुत स्ट्रांग टेक्निक दिस इज मेडिटेशन ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन यू आर जस्ट लिसनिंग टू द साउंड विच इज देयर इन द एटमोसफेयर अभी ये आवाज़ आ रही या कोई भी आवाज़ ले लो सॉफ़्ट म्यूजिक रख लो अगर कोई भी आवाज़ में लंदन गई थी इतना साइलेंस था वह यहाँ तो आवाज़ों में ही अपन रहते कि आप थूक निकल रहे हो उसकी भी आवाज़ आती पापड़ तो चबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है काफ़ी क्रंची <laughs> आवाज़ आती है असाउंड ही नहीं है कोई तो फिर उनको बोलना पड़ता है एक सॉफ्ट म्यूजिक एकदम लो इंटेंस में और आप जस्ट सुनते रहो एंड रिलैक्स ये भी रिलैक्सेशन बहुत स्ट्रांग टेक्निक तो ये चार तरीके हैं रिलैक्सेशन की शवासन मकरासन क्रोकोडाइल पोज मकरासन इज क्रोकोडाइल पोज दृढ़ासन साइड में और निष्पंद भाव दैट इज दिस टेक्निक हमने तो निष्पन्द ऐप भी बनाया है इंस्टीट्यूट में वेरी स्ट्रांग मेडिटेशन टेक्निक हंड्रेड तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हो वो हम बात करते हैं वॉकिंग ऑल्सो इज मे लाइफ इज मेडिटेशन बाई डियर लाइफ हैजू बी लाइक अ मेडिटेशन

बट इट्स वर्क फॉर यू मैं हाँ, बहुत डीप चला जाता हाँ, 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 तो ये भी कुछ होता है। हाँ, जो मुंह से जोर से सांस बाहर फेंकना हाँ बहुत अच्छा है दिस इज फर्स्ट टू बिकम एक्टिव तो इसी टेक्निक में आप ये कितनी बार करते हो

यू you नो know, एक एक पार्ट को समझना पड़ेगा और उसको रिलैक्स करना पड़ेगा तो वो करते हैं ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर और उसके बाद में पेट के साथ फ्लो करते हैं सो दिस इज कॉल्ड शवासन जी वॉट यू आर टेलिंग इज योग निद्रा सो मे बी नाउ न्यू न्यू टेक्निक्स आर कमिंग अप मतलब एंड न्यू न्यू थिंग्स आर कमिंग ऑफ जस्ट द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ फाइंड आउट वूट दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे ये वाली प्ले लिस्ट में सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट देखिए सीखते रहिए ग्रो करते रहिए